अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। कल की एक्साइटिंग वीडियो जो वेट लिफ्ट के मतलब थी, उसको तो रात को मैंने अपलोड कर दिया है। आज की हमारी रूटीन ये है कि कामरान जो है उर्फ राणा साहब, ये जनाब, ये यहाँ पर चीकनी मिट्टी हमने मंगवाई हुई थी, ये यहाँ से लेके जाएंगे उधर हवेली के पास। उधर हम कहानी मारेंगे, कहानी में हम पुरानी तूड़ी दे के डालेंगे अच्छी तरह। जब पूरी प्रिपेयर हो जाएगी हमारी मिट्टी, तो हम जो नया शेड है इस साल, हम उसको सीमेंट या वो कंक्रीट वगैरह नहीं करेंगे। इस साल हम उसको तूड़ी डाल के चिकनी मिट्टी में लिप देंगे। अच्छी तरह बारिशें होंगी, जैसा भी मौसम रहेगा इस साल, ये अच्छी तरह सेटल हो जाएगी प्री कास्ट जो हमारा तैयार छत के ऊपर। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम फिर उसके ऊपर जो है वो बजरी डाल के सीमेंट में तो उसको कंक्रीट कर देंगे, और रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहता है इस तरह। ये वो जगह जहाँ पे हम मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है ना वो अपनी कहानी बनाएंगे। और इंशाल्लाह हम यहाँ से ये जो हमारी ऊपर वाली छत है यहाँ पे लिपाई करेंगे। ये अच्छी तरह लिपाई होगी क्योंकि दो चार बच्चियाँ और हमारी जो शीप हैं वो इसी जगह पे रहेंगी सारी सर्दियाँ। गर्मियों में हो सकता है हम बच्चियों की जगह और बना लें। शीप का ये मुकम्मल जो ये वाला पोर्शन है हमारे फार्म का, ये शीप के लिए हमने रखा हुआ है, और हम इंशाल्लाह यहाँ पे उनकी सेटिंग करेंगे। हमारी फार्म रूटीन क्योंकि शुरू हो गई है, ये कल मैंने ये अपना जो हमारी शीप है उनके लिए फीड ट्रफ बनवाया है, यानी खुरली बनवाई है। पहले जो हमने खुरली बनवाई थी वो उसका चौकटा भी लकड़ी का था, लेकिन इस दफ़ा हमने तब्दीली ये की है कि जो इसका चौकटा है वो लोहे का बनवाया है, और अंदर जो फटे हैं वो लकड़ी के इजारे हम लगाएंगे। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इसकी लंबाई है ये 4 फिट है, इसकी चौड़ाई हमने 2 फिट रखी है, और जिस तरह ये मैंने रखी है इस तरह ही हम फटे इसके सेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल मैंने ऊपर बिछाई हुई है, इसके ऊपर 2 सुराख किए हैं। नीचे वाला सुराख जो है वो जो हम साइडों पर फटे लगाएँगे ये उस काम के लिए है, और ऊपर वाले सुराख जो हैं अगर ज़रूरत पड़ी हमें तो हम रस्सी इस मकसद के लिए बांध देंगे कि जानवर जो हैं वो ऊपर ना चढ़ें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भेड़ों के मामले में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम ऊपर वाले को उम्मीद तो ये है कि ज़रूर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो हमारी खुरली है इसकी ऊंचाई जो है वो 14 इंच है, ज़मीन से 14 इंच और 6 इंच का फट्टा लगेगा, तो इसकी जो जानवर जो है वो 19 से 20 इंच जो है ऊंचाई होगी, जहाँ से जानवर की गर्दन जो है वो ऊपर जाएगी, और इसकी जो गहराई होगी डेप्थ जिसे कहते हैं वो होगी जनाब 6 इंच, और चौड़ाई इसकी 2 फिट है, लंबाई इसकी 4 फिट है। इस तरह की इंशाल्लाह एक और खुरली हम लोहे के स्ट्रक्चर में एक और बनवाएंगे, तो फिर हमारे जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी कोई टेंशन नहीं होगी हमें। अभी हम चलते हैं, ये हमारी शीप है, एक्चुअली मुझे लगता है कि इसको कैल्शियम की भी कमी है, ये बच्चा है इसको भी दूध पिलाना है हमने, क्योंकि भेड़ के नीचे दूध बन नहीं रहा उस तरह। और अभी चल के दूसरी जो हमारी शीप हैं उनका देखते हैं किस हाल में है। ये हमारी दूसरी शीप है, अभी ये खा रही थी क्योंकि जो लड़का काम पे रखा हुआ है उसने अभी इनको नेपियर ग्रास जो उसने साथ पराली के पतरा हुआ है, क्योंकि काम वाले इस तरह करते हैं, अगर वो आपके जानवरों को अपना समझना शुरू कर दें फिर तो आपको कोई टेंशन ही ना हो। बाहर चले उसने इतना भी कर दिया तो बड़ी बात है, कि उसने क्या किया कि नेपियर ग्रास में जो तूड़ी कुतरी हो पराली कुतरी हुई थी वो पट्टे इनको भी डाल दिए हैं, ताकि ये भी कोई पेट पूजा कर लें। बाकी अभी इनको चोकर डालेंगे और थोड़ा सा मेज़ क्रश्ड मेज़ डालेंगे, ताकि इनके जो बाकी मामला हैं हेल्थ के हवाले से मिनरल माइक्रो मिनरल और थोड़ा बहुत स्टार्च भी इनको मिलता रहे, ताकि इनकी सेहत अच्छी रहे।
जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है इनका इंटेक बेहतर होता जाता है, फिर ये वो चीज़ें भी खाना शुरू कर देते हैं जो कि गर्मी में ये बिल्कुल नहीं खाते। अभी आप देख सकते हैं कि ये हर चीज़ खा लेते हैं, बच्चे ये पराली को साइड पर खा देते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमारे पास बड़े जानवर है वो खा लेंगे। एक चीज़ जो मैं पिछले कुछ दिनों से फील कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आज हम करेंगे भी, वो ये है कि हमें अपने शीप की फीड में जो है वो कैल्शियम की मुनासिब मकदार मिलाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कैल्शियम की कमी जो है ना हमारी शीप में हो रही है, आज से हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे। वो ये है कि जो कंपनीज हैं नेशनल हैं या मल्टी नेशनल हैं, उन्होंने हमको ब्रेन वॉश कर दी है। हालांकि जो लाइम स्टोन है, अगर तरीक़ाकार से उसको यूज़ किया जाए तो लाइम स्टोन भी यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि अपना डीसीपी या दूसरी चीज़ें बेचने के लिए लाइम स्टोन से बिल्कुल नफरत लाइम स्टोन के हवाले से डाल दी गई है वहाँ के जेन में, ताकि वो इससे करीब भी ना फट गए। जो काम 10-20 रुपए में हो सकता है वो 300-400 या 1000 रुपए में करें। जो फार्मर है हमारा, हुकूमत जो है वो NGOs के थ्रू या वैसे उनको एजुकेट नहीं करती, और जो कंपनीज हैं वो हमें मुख्य तरीक़ों से डॉक्टर्स को ब्राइब दे के, रिश्वत दे के, या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको करके हमें ऐसा ब्रेन वॉश करती है कि हमारा काम जो सैकड़ों में हो सकता है वो हज़ारों में होता है, जो रुपयों में हो सकता है वो सैकड़ों में होता है। यानी फार्मर का हर तरह से ही इस्तेहसाल हो रहा है। अगर आप इंडिया में देखें तो वहाँ पे NGOs एरिया वाइज काम करती हैं और एजुकेट करती हैं फार्मर्स को। दोस्तों मुझे ये लगता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई सांपों का जोड़ा रहता है, उसकी वजह ये है, एक तो कल हमने सांप जो लड़के ने मार दिया था उसका मसला था, एक ये देखें आप सांप का बच्चा है, ये अभी जो हम अपने लुपाई के लिए मिट्टी इकट्ठी कर रहे थे उसमें से निकला, इसका मतलब ये है कि हमें केयर करने की ज़रूरत है। हमारे इर्द गिर्द जो है वो सांप रहता है, चलिए ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक उसने हमें नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन बहरहाल हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये जो है किसी वक्त भी हमें नुकसान पहुँचा सकता है। इसका फिलहाल देखते हैं कि मारना तो हमारा मकसद नहीं है जानवरों को, क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ जो जानवर हैं, हम जंगली हैं या दूसरे हैं, उनकी केयर करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं किसी न किसी शक्ल में, लेकिन यहाँ से उनको चले जाना चाहिए, हमें भी नुकसान ना हो और उनको भी नुकसान ना हो। दोस्तों पहले जो मैंने फ़ैसला किया था कि इस सांप के बच्चे को हम कहीं पे छोड़ आएँ, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम क्यों ना इसको पाल ही लें, जैसे हमने दूसरे पेट रखे हुए हैं, जैसे हमारे पास चाइना डक है या वाइट गूज है या डॉग है या कौज हैं, तो अभी हम इसको भी पेट के तौर पर रख लेते हैं और इंशाल्लाह हम इसको पालेंगे, बड़ा करके देखते हैं कि ये कैसा बनता है, ये कुछ हमसे सीखेगा, हम इसे सीखेंगे। और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि ये काम जो है मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए एक नया तजर्बा हमें होगा। दुआ ये है कि ये हमारे साथ सेहतमंद रहे, हम इसके साथ रहें, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमें नुकसान ना पहुँचाए, हम तो इसे पहुँचाएँगे नहीं इंशाल्लाह, तो इसकी भी हम आपको हर रोज़ अपडेट दिया करेंगे और बाकी जानवरों की भी। दूसरी एक्साइटिंग चीज़ ये है कि ये जो हमारी ये मस्कोवी डक है ये क्रॉस हो गई है, मैं इस हवाले से बड़ा एक्साइटेड हूँ। उसकी वजह ये है कि ये हम चंद दिन पहले लेके आए हैं, वीडियो चैनल पर मौजूद है, और चंद दिन बाद ये क्रॉस हो गया, तो इंशाल्लाह हम इसके मस्कोवी डक के बच्चे निकलवाएँगे मुन्ने मुन्ने, और मुझे उम्मीद है बड़ा मज़ा आएगा, ये बहुत ही क्यूट जानवर है। वाइट गूज जो है वो थोड़ी लड़ाती हैं, लेकिन उनका फ़ायदा ये है कि सिक्योरिटी के वाले से बहुत ही अच्छा जानवर है, उसको हमने रखा भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, लेकिन ये अगर क्यूटनेस देखनी है, शराफत देखनी है, तो ये कमाल का जानवर है। ये जो हमारी मस्कोवी डक है, मैं यही समझता था कि ये क्योंकि अभी इसकी एज नहीं हुई, लेकिन कल जब मैंने देखा कि ये क्रॉस हो गई है तो मैं बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि हम इंशाल्लाह जल्द पहले इनके अंडे फिर इनके बच्चे देखेंगे और खूब मज़ा आएगा। और ये है हमारा मस्कोवी राजा, कमाल की चीज़ है, माशाल्लाह खूबसूरत है पूरा मोर की तरह। अभी चूँकि खाने का वक़्त है, फ्लूटी जो है अपनी रोटी लेने के लिए पहुंच चुकी है,
और कल उन्हें रात को पता नहीं क्या वजह रोटी नहीं खाई, मुझे नहीं था अभी खाएगा रोटी, ये ले लो। क्योंकि इन्होंने दिन में दो दफ़ा खानी होती है और रोटी खास करके प्रेग्नेंट है, जो बिजली जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे है उससे प्रेग्नेंट है, इंशाल्लाह हम उसके जोड़ा रखेंगे। ये है हमारा छत जो कल हमने मिट्टी डाली है, इर्द गिर्द जो है वो ईंटें लगाई हैं, पानी लगाने से काफ़ी हद तक मिट्टी जो है बैठ गई है, क्योंकि ज़्यादा जो है वो रेतली मिट्टी हमने डाली थी ताकि उनकी पीठ इसी तरह बैठ जाए। अभी मिट्टी जो है उसमें तूड़ी मिला के हम रखेंगे, तीन चार दिन अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो हम इंशाल्लाह इसकी लुपाई कर देंगे। तो एक चीज़ है कि जब कल जो वीडियो आपको दिखाई थी जिसमें सांप मारा था, तो उस वक्त मेरे जहन में एक आया था कि यार हमने एक ज़िंदगी को ख़त्म कर दी है, हमें ये नहीं करना चाहिए था, अब हमसे हो गया है तो हमें एक ज़िंदगी बचानी भी चाहिए। अभी जो लड़का जो लुपाई के लिए मट्टी इकट्ठी कर रहा था उसने मुझे वो भागता हुआ आया, ऊपर ईंट रख के आया था, ये छोटा बच्चा जो हमने आपको दिखाया है, ईंट रख के आया और मुझे बताया उसने कि सांप है क्या करना है उसका। तो मैंने उसे कहा कि मारना नहीं मारना नहीं, इसको छोड़ के आते हैं, तब तक मेरे जहन में ये था। लेकिन जैसे इंसानी पाती बढ़ती जा रही है ये तो मुझे 100% आज़ार है फिर किसी ने मार देना उसको। इसलिए जो ज़िंदगी बचाने का आइडिया मेरे जहन में आया वो ये है कि हम इस सांप को रखेंगे। आज का जो हमारा टारगेट था बाकी कामों के साथ साथ, ये जो हमने पराली खरीदी है सामने वाले एकड़ से, ये हमने लगानी शुरू कर दी है और इंशाल्लाह आज हम ये तो आराम से ख़त्म कर ही देंगे, ये ख़त्म करेंगे। बाकी दूसरा कोशिश करेंगे कि कुछ दूसरे से भी जुड़ जाए, अगर ना भी जुड़े तो कोई मसला नहीं है, यही हो जाए तो काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह हमारा आज का टारगेट पूरा हो जाएगा। जो बाकी पटे पुटे डालने हैं वो दाना डाल देगा और हमारा काम मुकम्मल है इंशाल्लाह। ऐसा की रूटीन, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल नई वीडियो में नए टारगेट के साथ। ये सब दिखाने का मकसद ये है कि जो फार्म लाइफ होती है ये कभी भी खत्म नहीं, इसमें काम होते हैं, ये नहीं हो सकता कि आप दो दिन लग सके। हाँ ये ज़रूर है कि बड़ा स्ट्रेस नहीं होता, बर्डन नहीं होता, परेशानियाँ भी नहीं होती, आप एक नेचुरल लाइफ इजी तरीके से गुजार सकते हैं। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा भी टाइम हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए, अदरवाइज थोड़ा भी टाइम नहीं होता है और फायदा नहीं होता है।